हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ व्लॉग ऑफ बिजी संडे इवनिंग। तो ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये मेरी बालकनी के प्लांट्स हैं जिसकी वीडियो का आप लोग भी वेट कर रहे हैं। और इसी के रिलेटेड कुछ और शॉपिंग करने के लिए आज मुझे बाहर जाना है, तो इसीलिए टी टाइम से पहले मैं अपने डिनर की कुछ प्रेपरेशन कर रही हूँ, साथ ही वेट कर रही हूँ कुलदीप जी का, वो आएंगे तो फिर हम चलेंगे। फ्रेश कोकोनट को मैंने ग्राइंडर जार में डाला है, साथ ही उसमें दो ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दी हैं, कुछ कटा हुआ हरा धनिया भी डाल रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को मिला के थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। और इस पेस्ट का इस्तेमाल मैं आज एग करी की ग्रेवी बनाने के लिए करूंगी। एग करी बनानी है तो एग भी बॉईल करके ही जा रही हूँ। तो डिनर के लिए जो प्रेपरेशन मुझे करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ और बहुत देर से वेट भी कर चुकी हूँ कुलदीप जी का। शायद वो किसी काम में ज्यादा ही फंस गए हैं तो अभी आ नहीं पा रहे हैं, तो मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि आके मुझे डिनर भी रेडी करना है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं निकलती हूँ और साथ में मैं ले रही हूँ जैस्मिन को। तो जैस्मिन मेरे साथ जा रही है, हम दोनों जाएंगे, देखते हैं कुछ प्लांटर्स और पॉट्स जो भी हमें पसंद आते हैं, क्योंकि मेरे प्लांट्स बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, मुझे बालकनी वीडियो रेडी करनी है। मच डिमांडेड बालकनी, यस मच डिमांडेड। और मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई है, और उसका रीजन भी यही है कि जो घर के काम होते हैं वो भी साथ में मिला लें, और यूट्यूब पे भी फ्रीक्वेंट वीडियोज में डाल रही हूँ, तो उसकी वजह से भी बहुत थोड़ा सा टाइम जो भी मुझे मिलता है दिन में उसी को मैं यूटिलाइज करती हूँ अपनी बालकनी में। तो अभी भी कुछ शॉपिंग रह रही है, जाती हूँ दो चार प्लांट्स लेके आ जाती हूँ, फिर जाती हूँ, तो इस तरह से मेरा काफी टाइम कंज्यूम हो चुका है। और पीछे आप देख सकते हैं स्टडी टेबल ओपन है, वहां पे बुक्स पड़ी है, और यहाँ पे जो महाशय जी पढ़ रहे थे उनका एग्जाम है सुबह मैथ्स का, बुक्स भी खुली हैं और सॉस की बोतल भी पड़ी है क्योंकि यहाँ पे बैठ के खाया भी जा रहा है और पढ़ाई भी की जा रही है। तो अभी 5 घंटे से चेयर पर बैठा हुआ था, थोड़ी देर बेड पे लेट। हाँ, 5 घंटे से चेयर पे बैठ के ये सम्स कर रहा था और अभी ये लेट के सम्स को रीड कर रहा है, मतलब लर्न कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ मैं, थ्योरम्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर, वो तो उसको दिखाया ही नहीं। तो ये महाशय जी यहाँ पे सो रहे हैं बड़े आराम से। स्टेफूशे हाय, हाय गॉड, ओ गुड बॉय। तो चलिए फिर निकलते हैं, अगर कुलदीप जी डायरेक्ट वहां पे पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो हम खुद ही किसी तरह से ले आएंगे, देखते हैं कैसे लेके आते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मम्मा ने चाय रेडी कर दी है, फटाफट चाय की चुस्कियां लगाते हैं और लेट्स गो जैस्मिन। आज संडे है तो आज सुबह मैंने 2 लार्ज आलू पराठा विद वाइट बटर खाए थे, और वो खाने के बाद पूरा दिन कोई भूख नहीं लगती, तो आज मैंने इवनिंग स्नैक भी नहीं बनाया, सिर्फ हम रस्क ले रहे हैं, मैं और मम्मा ही चाय पी रहे हैं कि पापा अभी वॉक से वापस नहीं आए। मैं पूछ रही हूँ कि आपने करना ड्राइव, क्या लगता है तेरा साथ पीछे बैठूंगी मैं? बैठे नहीं थे उस दिन दो बार, बैठे तो गिरा दी था मैंने। हाईवे पे जाना है, अकेली जाती है ना, मुझे बिठा के नहीं जाती। दिस लेडी इज वेरी स्केयर्ड, ये किसी के पीछे नहीं बैठते, पापा के पीछे पता नहीं क्यों बैठ जाते। पापा के पीछे भी बहुत डर के बैठती हूँ मैं। मेरा स्कूटर है। तेरा नाम लिखा दिखा, कहाँ लिखा तेरा नाम बता। वीडियो है, ब्लॉग है गाइस, ब्लॉग है मेरा, बर्थडे चाहिए। कोई नहीं, आ जा बैठ जा पीछे आगे चुपचाप। तो मैं और जैस्मिन नर्सरी पहुंच चुके हैं, मैंने एक साथ बहुत सारे प्लांट्स नहीं लिए थे, जब भी हम कभी बाहर जाते थे तो थोड़े बहुत प्लांट्स मैं साथ साथ लाती रही, उनको सेटल करती रही। तो अभी मेरी बालकनी में काफ़ी प्लांट्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे एक कॉर्नर थोड़ा खाली लग रहा था, इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं कुछ और प्लांट्स की शॉपिंग करूंगी। तो बालकनी को गार्डन में कन्वर्ट करने के साथ साथ मेरे माइंड में एक और भी चीज़ चल रही है, मैं उसे अपने लिए एक मेडिटेशन स्पॉट भी बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं प्राणायाम करूँ, मेडिटेशन करूँ, तो मेरे आसपास बहुत ही ग्रीनरी, नेचुरल और पीसफुल एनवायरनमेंट हो। उम्मीद तो बहुत है कि सक्सेसफुल हो जाऊंगी, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। सर, आपको मिल गया टाइम आने का? कैसे निकलेगी? नहीं ऐसे ही है गाइस, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, पर मेरे लिए पानी नहीं लेके आए ये लोग। पानी की बोतल खुद रखनी पड़ती है पुत्र, तो फिर लानी चाहिए थी। बोलते हैं ना कि बीवियां झगड़ा करती हैं, वो गुस्सा करती हैं, वो क्यों गुस्सा करती है? मैं तो वैसे झगड़ा नहीं करती, मैं तो वैसे बहुत शरीफ हूँ। डेफिनेशन, शरीफ की डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। देख लो लेट कौन आया है। मुझे प्रॉमिस किया था कि आज मैं पक्का सारा दिन तेरे साथ हूँ, और अब सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, तो साहब आ गए। और बस उसके बाद मैं घर वापस आ गई, जैस्मिन और उसके पापा को कुछ काम था तो वो लोग वहीं से चले गए, और घर आते ही मैंने देखा कि ब्रूनो और स्टफी काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं ब्रूनो के बारे में कि आजकल नज़र नहीं आता है, तो यही होता है, कहाँ जाना है उसने, भी घर के अंदर होता है तो कभी बाहर रोड पर। उदय ने मुझे आते ही फ्रेश भी होने नहीं दिया और सीधा मुझे किचन में जाने को कहा कि मम्मा प्लीज़ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को जल्दी से मेरे लिए बनाओ। आजकल मिस्टर उदय अपने लिए खुद कुछ नहीं बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको पैम्पर किया जाए, एग्ज़ाम्स शुरू हैं कल मॉर्निंग से, और ये आज 3rd टाइम है जब मैं उसके लिए स्नैक्स बना रही हूँ।
अदरवाइज उसे किसी के हाथ के सैंडविच पसंद नहीं आते, लेकिन आज वो मुझसे अपने सैंडविचेस बना रहा है, वो भी एग ब्रेड एंड चीज सैंडविच। आज मेरे माइक ने मुझे धोखा दिया, पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू हुआ कि जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन थी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। एनीवेज उसका फर्स्ट एग्जाम मैथ का है और मैथ्स के लिए हमेशा वो ट्यूशन पे ही डिपेंड रहा है, बट इस बार कोविड की वजह से उसने सब कुछ खुद ही मैनेज किया है, इसलिए वो थोड़ा सा टेंस्ड है और इसीलिए अपनी नर्वसनेस को थोड़ा कम करने के लिए अपनी पसंद के स्नैक्स ब्रेक टाइम में इंजॉय करता है। तो अभी उसका हाफ एन आवर का ब्रेक चल रहा है विद सैंडविचेस और कोल्ड कॉफी। कभी किसी ओपन एरिया में शॉपिंग करनी हो तो इतनी धूल मिट्टी और इतना स्वेट होता है और वेदर में भी आजकल कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो सोचा एक बार थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद ही डिनर बनाऊँगी। फेस कभी भी सोप से वॉश नहीं करना चाहिए, ये आप सबको भी पता है और मैंने भी अपनी वीडियोस में कई बार बताया है। मैं अपना फेस हमेशा फेस वॉश से ही वॉश करती हूँ और इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ वाओ का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश। येस, दिस वीडियो इज कोलैबोरेशन विद वाओ एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश, बट जेन्युइनली ये प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है। सिर्फ एक बार यूज करने के बाद ही मुझे आइडिया लग चुका था ये किस तरह से फेस को क्लीन करने वाला है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर किस तरह से हमारी स्किन से एक्ने और स्कार्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। एप्पल साइडर विनेगर के साथ साथ इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है, विटामिन B5 एंड विटामिन ई है, प्लस इसके साथ एक ब्रश है जो कि इसका प्लस पॉइंट है। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, ये आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है। इसे बैक साइड से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ब्रश के थ्रू थोड़ी फोम बाहर आएगी और इसी तरह से ब्रश को सर्कुलर मोशन में हमने जेंटली अपने फेस पे घुमाते जाना है और 1.5 से 2 मिनट इस प्रोसेस को करने के बाद आप फील करेंगे कि आपका फेस कितना ग्लोइंग और कितना फ्रेश लग रहा है। इसके बाद पानी के साथ ब्रश को क्लीन करें और उसका कैप वापस लगा दें ताकि डस्ट से आपका ब्रश बचा रहे, क्योंकि इस ब्रश की हेल्प से ये फेस वॉश हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है। एंड आई थिंक इसे रेगुलर यूज करती रहूंगी तो मेरी ब्लैक हेड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और ब्लैक हेड्स भी हमारे स्किन पे इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे पोर्स अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते। इनकी स्पेशलिटी है कि हर वाओ प्रोडक्ट का एक QR कोड होता है जिसे आप किसी भी स्कैनिंग ऐप से अगर स्कैन करेंगे तो आप इनके प्रोडक्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, जो इस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी को प्रूव करता है। सीमलेस शॉपिंग के लिए आप इस ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इन केस आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ आई एम फीलिंग वेरी मच फ्रेश, तो चलिए जल्दी से डिनर बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं बना रही हूँ एग करी, तो उसके लिए मैंने प्याज कट कर लिया है और उसके बाद ऑयल में सीधा पहले मैंने प्याज डाला है। यहाँ मम्मा किचन में आ चुके हैं मेरी हेल्प करने के लिए। कुछ बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हम इस रेसिपी में यूज़ नहीं करने वाले हैं। एग करी के साथ साथ बना रही हूँ मैं पनीर की भुर्जी, ऑब्वियसली मम्मा एग करी नहीं खाएंगे। सो पनीर भुर्जी के लिए सिंपल पहले मैंने जीरा और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। इधर एग करी के लिए जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो उसी वक्त हम उसमें कोकोनट पेस्ट डाल देंगे जो कि पहले से मैं बना के गई थी। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, थोड़ी सी हल्दी और साथ में लाल मिर्च पाउडर। बाकी बहुत सारे मसाले इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद एक बार फिर से थोड़ा ज्यादा पानी डाल रही हूं क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। फ्लेवर को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए मैंने इसमें किचन किंग डाल दिया है। इतने में ही इसकी बहुत अच्छी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। लिड लगा के थोड़ी देर बॉयल होने दें। इधर पनीर भुर्जी के लिए भी प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक डाला था, साथ ही इसमें डाल दिए हैं टमाटर, नमक डाला है, हल्दी डाली है, साथ ही डाली है कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ मैंने यहाँ पे पुदीना ऐड किया है। पुदीना डालने से पनीर भुर्जी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और इधर हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है जिसका साइन है कि उसने ऑयल छोड़ दिया है। और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें बॉयल किए हुए अंडे जिनको मैंने बीच में से काट दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको चलाने की जरूरत नहीं है। बस स्लोली स्लोली ग्रेवी इसके ऊपर पोर कर दें और कवर करके 5 मिनट तक और पकाएं। दोनों ही डिशेज साथ साथ रेडी हो गई हैं और यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है क्रश किया हुआ पनीर। थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड करेंगे कि पनीर भुर्जी को जितना जूसी खाने में मज़ा आता है, बहुत ड्राई पनीर भुर्जी खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती। तो बस 1.5-2 मिनट इसे और पकाना है और पनीर भुर्जी रेडी हो जाएगी। उधर एग करी में मैंने थोड़ी सी मलाई डाल दी है और थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। तो चलिए बना लेते हैं बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस पत्ता गोभी सैलड। लेकिन अगर आपकी पत्ता गोभी बिल्कुल साफ है तभी उसे यूज़ करें, कहीं से थोड़ी सी खराब लगे तो प्लीज़ उसे यूज़ ना करें। इसे बारीक बारीक काट लेने के बाद एक बाउल में मैंने डाल दिया है और साथ ही उसमें डाल दिया है पिंक सॉल्ट। अब हाथों के साथ सॉल्ट और पत्ता गोभी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल पानी ना निकालें लेकिन उसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद कुछ पंपकिन सीड्स लिए हैं जिन्हें मैंने 4 घंटे पहले पानी में सोक कर दिया था, उन्हें डाला है ग्राइंडर जार में। डाला है उसमें धनिया पत्ता, कुछ काली मिर्च के दाने, थोड़ा सा जीरा, 2 टीस्पून डाला
डाला है इसमें हनी और 2 टीस्पून ही एप्पल साइडर विनेगर। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे और बहुत ही क्रीमी सा एक पेस्ट आपके पास आ जाएगा। उसे पोर करेंगे हम उसी पत्ता गोभी के ऊपर और अच्छे से उस पेस्ट के साथ इसको कोट कर देंगे और आपका बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी सैलड रेडी हो जाएगा। पापा और मम्मा का डिनर टाइम हो चुका है तो सबसे पहले मैंने उनको खाना दे दिया है। उसके बाद आती है बारी स्टफी की। ब्रूनो चलो खाना खाएंगे। और उसके बाद खाना ब्रूनो को और बाहर एक फीमेल डॉग है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो उन दोनों को खाना देने के बाद मेरी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। और जब मैं उदय को खाने के लिए बुलाने गई तो वो स्टफी के साथ खेल के अपना स्ट्रेस बर्स्ट करने में बिजी था। उदय सैंडविच खा चुका है, अब उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस उसको थोड़ा सा ओवरपावर कर रहा है, बट ठीक है वो अपनी तैयारी कर रहा है मैथ्स की। जैस्मिन इज ट्राइंग की मम्मा की बात खत्म हो तो मैं बुर्की मुंह में डालूं। चलो ठीक है, स्वाद बनी है प्रिया की बुर्की, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। हाँ वेट कर रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं करवाते, इनको खाना खाने देते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।